काशी नगरी में सप्तवारों में 9 त्योहारों की प्रथा रही है, इसलिए यहाँ की त्योहारों का अलग ही महत्व है। यहाँ की कई यात्राएं, लीलाएं तथा मेले प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं, और ऐसे अवसरों पर देश और विदेश के यात्रियों व पर्यटकों का रुख स्वतः ही काशी की ओर हो जाता है। उन्हीं त्योहारों में से एक है नाग नथैया लीला। इस लीला का प्रारंभ स्वयं श्री तुलसीदास जी ने किया था, तब से आज तक ये लीला निरंतर होती चली आ रही है। इसके लिए निश्चित तिथि को गंगा में कदंब की डाल स्थापित कर उसे यमुना तट का रूप दिया जाता है। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ फूलों की गेंद से खेलते खेलते उसे गंगा में फेंक देते हैं, और सुदामा के हट के कारण कदंब पर चढ़कर बांसुरी बजाते हैं, और अचानक गेंद को वापस लाने के लिए गंगा रूपी यमुना में छलांग लगा देते हैं। कोमल तन अति सांवरो साजे नटवर साज, जल में बैठ गए तन जहां सोए हैं अहिराज। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां संपूर्ण लीला का संक्षिप्त वर्णन करती हैं। कुछ पल के लिए सब दर्शक सांस रोक सारे दृश्य का अवलोकन करते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर मुरली बजाते नृत्य करते गंगा रूपी यमुना से प्रकट होते हैं। इसी के साथ सारा वातावरण भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठता है। संकट मोचन हनुमान के महंत भगवान को माल्यार्पण करते हैं, और काशी के कुंवर स्वयं नाग नथैया की आरती उतारते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ ने अन्नपूर्णा माता से काशी वासियों के लिए अन्न की भिक्षा मांगी थी, ताकि काशी में कोई भूखा ना रहे। उसी के फलस्वरूप माता अन्नपूर्णा की कृपा से आज तक काशी में अनाज की कभी कमी नहीं रही। इसी उपलक्ष में संपूर्ण काशी में इसे अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता अन्नपूर्णा सहित सभी मंदिरों को सजाया जाता है तथा देवों को 56 भोग लगाए जाते हैं। इस दिन काशी नगरी की छटा बस देखते ही बनती है। यह दृश्य आप देख रहे हैं भारत मिलाप महोत्सव का, जो काशी के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कहा जाता है कि सदियों से होते आ रहे उत्सव को देखने के लिए स्वयं प्रभु राम सूर्य की रश्मि पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इस मेले में काशी के राजकुमार हाथी पर सवार होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस अवसर पर भक्तगण लाखों की संख्या में अपने इष्ट देवों पर मिलन के समय फूलों की वर्षा कर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। देव दीपावली समस्त भारत की तरह काशी में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सारी काशी नगरी तथा गंगा तट कृत्रिम रोशनियों से नहा उठते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान के सारे तारे काशी में गंगा स्नान का आनंद ले रहे हों। कौशल्या इस दिन गंगा के सभी तटों को
खूब सजाया जाता है। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। प्रातः काल सूर्य की पहली किरण के साथ यहाँ के घाटों को नौका से निहारना एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। रात को चारों ओर जलते दीपों से सारा नजारा स्वर्गिक हो जाता है। मंदिरों और भक्तों की ओर से विभिन्न छोटी बड़ी प्रस्तुतियां दी जाती हैं। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। देव नृत्यांगनाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य भगवान इंद्र के दरबार सा शोभायमान होता है। जय सिया राम जय जय, पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी से सारा आकाश नहा उठता है। इस दृश्य को देखकर कल्पना की जा सकती है, यदि स्वर्ग में दीपावली मनाई जाती होगी तो निसंदेह ऐसी ही होगी। यह त्योहार इतने हर्ष के साथ मनाया जाता है कि इसे देव दीपावली कहा जाता है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। काशी में महाशिवरात्रि का त्योहार भी बड़े हर्ष से मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस दिन शिव मंदिरों में भगवान शिव के दुग्धाभिषेक के लिए भक्तों से मंदिर भरे दिखाई देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवा, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की विभिन्न झांकियां भी इस दिन आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 कुछ मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की भंगिया को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके अतिरिक्त निर्जला एकादशी, छठी मैया, मकर संक्रांति आदि त्योहारों पर भी उत्सव का माहौल होता है, जिससे जीवंत नगरी सदैव आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। तो आप भी गंगा स्नान कर मुक्ति वरदान प्राप्त करें। वाराणसी नगरी की प्रसिद्धि का एक और मुख्य कारण है इसका औद्योगिक महत्व। वैसे तो यहाँ कई औद्योगिक इकाइयां हैं, परंतु भारत का प्रमुख डीजल रेल कारखाना यानी DLW यहीं पर स्थित है।
और बनारसी पान तो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। और यहाँ पर आने वाली यात्री यहाँ की ठंडाई अर्थात भंगिया भी बड़े चाव से पीते हैं। पी के शिव बूटी का प्याला हो गया मन सबका मतवाला, पी के शिव बूटी का प्याला हो गया मन सबका मतवाला, फिर तो ऐसा करे धमाल भोले नाचे दे दे चाल, रे हो जाए मगन ये डमरू वाला, रे हो जाए मगन ये डमरू वाला। यहाँ आने के लिए रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। काशी से दिल्ली की दूरी 776 किलोमीटर, मुंबई की 1260 किलोमीटर, चेन्नई की 2123 किलोमीटर तथा कोलकाता की दूरी 676 किलोमीटर के लगभग है। प्रिय भक्तजनों, काशी के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ की यात्रा कर तन मन पवित्र हो जाता है। हमने अपनी इस यात्रा की जानकारियाँ पूरी सावधानी के साथ दी है, परंतु फिर भी यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और भगवान विश्वनाथ से आपकी यात्रा सफल करने की कामना के साथ इस यात्रा का समापन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय बाबा विश्वनाथ जी की।